बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स बच्चों के आ रहे हैं, सर KMU के हवाले से कोई अपडेट दें कि वहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, उसके हवाले से कुछ बताएं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेके आऊँ उसका जो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। और स्टूडेंट्स, आज हम KMU के हवाले से डिटेल में बात करेंगे कि वहाँ पे जो एग्रीगेट है जो स्पेशल एग्ज़ाम के बाद वो क्या रहेगा, और वहाँ पे सीट्स कितनी इंक्रीज़ हुई हैं और किस कॉलेज में कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, और स्टूडेंट इसके बाद वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और स्पेशल एग्ज़ाम और ए लेवल के स्टेटस वहाँ पे क्या जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि MS चैनल की कोशिश यही है कि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है उससे बाखबर रखे। तो स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वहां पे जाके हम ऑनलाइन आपको KMU की वेबसाइट पे लेके चलते हैं और वहां पे मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि वहां पे क्या स्टेटस जा रहा है इस वक्त MBBS BDS के एडमिशन के वाले से। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं KMU की वेबसाइट पे। तो अब हम यहां पे MBBS BDS के वहां पे जो पेज है वहां पे चलते हैं और उसको हम क्लिक करके वहां पे आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो बताते हैं कि वहाँ पे अब तक जो मेरिट लिस्ट हैं उसके हवाले से क्या, एडमिशन के हवाले से क्या स्टेटस चल रहा है। तो अभी तक स्टूडेंट्स, ये आपसे कुरान के मैसेज आ रहा है कि अगर कोई इसमें फेल हुआ तो वो जाकर अप्लाई कर सकता है। और स्टूडेंट्स, के साथ साथ ये आप डिटेल दे सकते हैं कि अभी तक जो उसमें कोई भी मेरिट लिस्ट है वो उसमें कोई इसमें खातर खा कोई चेंज नहीं है। उसमें यही क्या है, शेड्यूल फॉर प्रोविजनल फाइनल मेरिट लिस्ट एंड प्लेसमेंट इन डिफरेंट कॉलेज शैल बी अनाउंस्ड लेटर, यानी कि वो बाद में अनाउंस की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि स्पेशल एग्ज़ाम का क्या कोई मेरिट पे फ़र्क पड़ने वाला है या मेरिट पे नहीं फ़र्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ पे जाके एहतजाज भी किया है कि जी ये स्टूडेंट के साथ ज़्यादती है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, ना कि छोटी ज़्यादती। हम आपके साथ हैं क्योंकि इस ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने जब इनको चांस दिया गया जुलाई में कि आप उसमें अपीयर हो, ये वहाँ पे अपीयर नहीं हुए, इनका ये राइट नहीं बनता था। बट ये PMC का डिसीजन है, ऑल ओवर द पाकिस्तान डिसीजन है, और इसको आप एहतजाज करें या ना करें, अगर उसने अनाउंस कर दिया है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इसका मेरिट पे कितना असर पड़ने वाला है, डेफिनेटली अगर स्टूडेंट्स उसमें फॉर एग्जाम्पल 500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो उसमें से 200 स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली वो इसमें लिस्ट में शामिल हो जाए, उससे मेरिट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। और जो पहले हम आपको 85-86 बता रहे थे, ये मेरिट उससे ऊपर 87 तक जाने वाला है अगर हम इसको स्पेशल एग्जाम को कंसिडर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के, जैसा कि महमूद खान जो KP के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया, टिम्बर मेल कॉलेज का उन्होंने अनाउंस किया, वहाँ पर 100 सीट्स का अनाउंस किया है। और अगर वो 100 सीट्स उन्होंने यही कहा कि जो KMU है वो इस साल उसमें एडमिशन करेगा, अगर वो 100 सीट्स उसमें काउंट होती हैं और इसके साथ साथ सैदू मेडिकल डेंटल कॉलेज में 50 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, इस तरह टोटल जो 150 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं उससे जो मेरिट है उसमें और स्पेशल एग्ज़ाम को इंक्लूड करें और उसमें तो मेरिट डेफिनेटली वो वही नीचे आएगा, यानी 85-86 तक मेरिट 85 से भी नीचे आ सकता है अगर हम इसको, अगर यहाँ पे ये एडमिशन जैसे अनाउंस किया गया है ये स्टार्ट होते हैं। और डेफिनेटली ये स्टार्ट होंगे क्योंकि ये बाकायदा अप्रूवल मिल चुकी है, ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि 150 सीट्स इंक्रीज कर दी गई हैं KPK में। तो अब आपको बताते हैं कि फीस स्ट्रक्चर में डेफिनेटली जो प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ पर पहले 4 लाख फीस थी, वहाँ पर अब 8 लाख फीस हो गई है, और ये काफ़ी यानी कि टफ टाइम है सेल्फ नास के लिए। डेफिनेटली जो अफोर्ड कर सकते थे और जो नॉन अफोर्डिंग थी या मिडियाकर थे उनके लिए अब ये अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आप हमने आपको जैसे कि इसमें बता दिया है कि एग्रीगेट कट ऑफ क्या रहेगा, सीट्स कितनी इंक्रीज हुई हैं, फीस का स्ट्रक्चर क्या है, स्पेशल एग्जाम के हवाले से मैं आपको इसमें अपडेट किया है। तो स्टूडेंट्स, आप
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ है या उस इसका जो लेटेस्ट स्टेटस है KMU का, वो इस वक्त क्या है, या हमने आपको आप जो लाइव जाके वेबसाइट पर दिखा दिया है, आप इसमें बाकायदा आज की डेट चेक कर सकते हैं। और 1/11/2022 को हम ये तकरीबन जो टाइम इस वक्त हो रहा है वो 10:30 का हो रहा है, हम जो वीडियो अपलोड आपके लिए इस वक्त बना रहे हैं, और इसमें हम आपको ये लेटेस्ट लाइव सारा दिखा रहे हैं ताकि एक लेटेस्ट अपडेट आपके पास आ जाए। अगर इसमें आप में कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं, उसमें अभी तक ये कंप्लेंट कहा रहा है, अगर आप इसमें कोई कंप्लेंट है, आपका कोई फॉर्म में कोई नाम गलत है, को आपका कोई इसमें डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन जाके वो कंप्लेंट कर सकते हैं अभी तक। लेकिन ये 13 दिसंबर तक था, लेकिन अभी तक इसमें ये अपीयर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ KMU के हवाले से मोस्ट करंट अपडेट। तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।